यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और मैं बढ़िया हूँ और आप भी मस्त होंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि नया साल में नहीं दिखाई दी और बहुत दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है, सो मैं क्या कहाँ बिजी हुआ आजकल ये भी बताऊंगी, बट वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड न्यू ईयर का मैंने क्या सेलिब्रेशन किया, क्या क्या प्रोग्राम था मेरा, क्या प्लान था, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो आप मेरे वीडियो में बने रहना एंड तक। एंड बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मतलब वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नया साल को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सो हम लोगों ने 09 सेलिब्रेशन किया था, घर पे ही छोटा मोटा पार्टी रखे थे हम लोग। हम दोनों के न्यू ईयर का पहला वीडियो है मेरा और हम लोग कुछ नया मेहमान को लेके जा रहे हैं। चलो एक देखते हैं कैसा है क्या है। ये फोटो देख के पता चल गया होगा कि यही था सरप्राइज। सॉरी 200 बोल दी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोगों का गाड़ी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब रेडी हो रहा है और हम लोग अभी लेंगे। लेने के बाद ही मैं दिखाऊंगी वीडियो में पूरा बाइक का व्यू। और ये हमारा नया साल का नया मेहमान, यही था आप लोगों का सरप्राइज और हमारे लिए नया मेहमान इस साल का। हम अच्छे से स्वागत करेंगे। और ये है अपाची आरटीआर 204V जो कि मैं दिखा रही हूँ। ये हमने लिया है न्यू ईयर पे और देख रहे हैं कैसा है। गाड़ी के आने की खुशी में मुझे तो पार्टी कैसे भी करके चाहिए। खतरा मशरूम तंदूरी विद सॉस चटनी अफगानी चिकन कबाब। कॉल लगे थे। वाव। उसके बाद छोटा सा शॉपिंग। बहुत ही भीड़ था मतलब क्राउड था, तो हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद मोबाइल के एप्लीकेशन पे ही ऑनलाइन पेमेंट करके निकल गए। सही है, हो गया हो गया। बहुत दिनों के बाद जो गैप था मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ रीजन के वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मेरा होम टाउन गई थी। आप लोगों ने देखा होगा क्या था कि मेरे मामी जो है, छोटी मामी, मेरे दोनों मामी हैं और छोटे मामी जो है उनका तबीयत पता नहीं तुरंत खराब हुआ था और उनका डेथ हो गया था। लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं मैं बना रही थी वीडियो उस टाइम, इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। और मैं बहुत क्लोज थी उनसे, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत कम एज था उनका, तो जो हुआ मतलब कोई नहीं कह सकता, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी उस टाइम। और अब आ गई हूँ मेरा मुंबई लोकेशन में। अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। ऐसे लव एंड केयर बहुत सारा शेयर भी कीजिए फ्रेंड लोगों को। एंड न्यू ईयर में फिर से आपको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड स्टे हैप्पी। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा।